नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने वाला हूं, जिसे कि देखकर आप आपकी पाव भाजी में बाजार जैसा टेस्ट ला सकते हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो फिर चले आसानी से बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुकर में कुछ वेजिटेबल को डाल देंगे, जिसमें है क्यूब्स में कटे हुए दो गाजर और दो बड़े आलू के क्यूब्स, लगभग 100 ग्राम हरे मटर। इन्हीं के साथ में ये फ्लावर लिया है। चाहे तो आप इसमें से कुछ सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये है बीन्स। अब डालते हैं थोड़ा बीट रूट। बीट से हमारी भाजी को बढ़िया कलर आएगा, हमें कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम इसमें दो ग्लास पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी मत मिलाइए। और इसका ढक्कन लगाकर इसको पका लेंगे। गैस का फ्लेम हाई करके 3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तब तक हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम 2 टमाटर लेंगे और टमाटर को रफली काट कर लेते हैं। तो अभी टमाटर को मिक्सी के जार में डाल देंगे और टमाटर के साथ में ये 4 बैड़गी मिर्ची डालते हैं। 15 से 20 लहसुन को भी डाल देंगे। अब इसे पीस कर प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए, इसको कलर भी मस्त आया है। इससे हमारी भाजी को बढ़िया कलर आएगा। सीटी होने के बाद आप कुकर में से अपने आप हवा निकल जाने तक 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करें। और उसके बाद दोस्तों ढक्कन को निकाल के अच्छी तरह मैश करके लीजिए। तो दोस्तों आप भी इसी तरह कुकर में बनाइए। पाव भाजी बनाने का यह सबसे आसान तरीका है। एक तो इसमें सब्जियां अच्छी तरह पक जाती है और सब्जियों को मैश करने में आसानी होगी। ये देखो आप, हमारी सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी है। तो अभी हम भाजी के लिए तड़का बना लेंगे। तो यहाँ पर हम तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि पाव भाजी की भाजी कैसी होनी चाहिए, एकदम तेज तर्रार, तब जाकर पाव भाजी खाने में मज़ा आएगा। तो अभी तेल के साथ में बटर ऐड कर देंगे। और जैसे ही बटर पिघल जाए तो हम इसमें बारीक कटी हुई 2 शिमला मिर्च डाल देंगे। और इसी के साथ में एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालते हैं। अब इन दोनों का कच्चापन निकल जाने तक इसे भून कर लेंगे, यानी कि हमें इन दोनों को सॉफ्ट होने तक हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते रहना है। सॉफ्ट होने के लिए बस 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट के बाद हम इसमें जो हमने टमाटर लहसुन मिर्ची की प्यूरी बनाई थी उसे ऐड कर देंगे। अब नमक डाल देंगे स्वादानुसार और 3 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप तीखा कम खाते हो तो मिर्ची पाउडर आप कम डालिए। तो इसी तरह आप इसमें गैस का फ्लेम हाई करके 2 से 3 मिनट चम्मच चलाते रहे। तो अभी हम सब्जी को तड़के में डाल देंगे। अभी थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डालते हैं। बटर से तो हमारी भाजी को टेस्ट आएगा ही आएगा, लेकिन कसूरी मेथी से स्वाद और भी बढ़िया आएगा। तो आप इसे जरूर डालिए। इसी तरह थोड़ा चम्मच चला के हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ताकि ये ज़्यादा थिक ना हो जाए। क्या होता है कि जब भाजी थोड़ी ठंडी होने के बाद यानी कि रूम टेम्परेचर में आ जाती है तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो अभी हम इसे 2 मिनट ढक कर उबाल के लेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें काफ़ी सारा धनिया पत्ता डालते हैं और लास्ट में और एक बार इसमें चम्मच चला लेंगे।
तो दोस्तों इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और भाजी भी टेस्टी लग रही है। आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारी भाजी एकदम परफेक्ट बनी है ना बढ़िया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।